देखिले बोले राधा रानी के अगर राधा रानी के सबसे प्रिय है अगर तुम्हें राधा रानी के लिए ब्राह्मण के गुरुदेव कहा करते थे देखो यहाँ के जो ब्राह्मण राधा रानी को हमने गुरुदेव कहते थे जो राधा रानी ये सर्व लक्ष्मी में राधा रानी श्री सर्व लक्ष्मी में श्री राधा रानी यहाँ पर कहते थे लेकिन जो ब्राह्मण लोग है ना राधा रानी की महत्व इतना नहीं देते इतना महत्व तो पैसे के देते देखो जहाँ जहाँ गए ना पैसा पैसा करके खर्चा नहीं कर लेकिन कृष्ण को तो सबसे प्रिय जब राधा रानी को दान दिया पहले तो मेरी एक लड़की थी अभी एक लड़की को हम लोग लड़कियों को शादी दी है लड़की ना एक लड़की को शादी को पूरा घर खाली हो गया पहले तो एक लड़की थी अभी दो लड़की हो गई अभी दो लड़कियों को शादी के लिए पैसा भी चलते चाहिए इसलिए इतने वो ब्राह्मण ने कृष्ण ने कहा ठीक है राधा रानी को मेरे को दान दे दो लेकिन इसकी बराबर में तुम्हें सोना दान देता हूँ इसलिए राधा रानी को तराजू का एक तरफ में राधा रानी को बैठ गया और तराजू के दूसरे तरफ में श्री सोने को रखा और राधा रानी की बराबर सोना कृष्ण दान किया उन्होंने देह दान किया राधा रानी को इसलिए कुंड का नाम है देह कुंड की राधा का नाम है अभी भी जो गुजरात में लोग कला का बड़ा महत्व देते हैं यहाँ पर आप बड़े सोने चांदी की दान करते बोले कृष्ण क्यों कृष्ण ने बराज में तोल कर उन्होंने श्री राधा रानी को दान दिया था कहते किसी कुंड में एक समय कृष्ण जब यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ पर चार तरह का कमल फूल खिला रखा था रक्त कमल कमल और पीले रंग के कमल और सफेद रंग के कमल कमल खिला रखा कृष्ण जब यहाँ पर आए देखा वो कमल के ऊपर में भोरा तो बड़ा लेकिन कमल को देखकर उनको किसकी याद आई जब उन्होंने पीले कमल को देखा ना राधा रानी की चंद्र की उनको याद आई राधा रानी के मुखचंद्र की याद आई और उसके ऊपर भोरा को बढ़ाते हुए देखा भोरा स्वरूप कौन है श्याम सुंदर राधा रानी का बुखार भी उनसे किया ये कमल जैसे उनको याद आया जैसे राधा रानी के मुख कमल पर में कृष्ण रूपी जो भ्रमर है जैसे बढ़ा रहे इतने में कृष्ण के मन में राधा रानी के मिलन की भी बुद्धि बनाए बुद्धि बनाई तो इतने में कृष्ण उन्होंने अपना सखाओं को बल बोले सुबल अभी राधा रानी के पीले वगैरह में रह नहीं सकता अभी राधा रानी को मैं पीले ना कहते फिर उन्होंने कृष्ण को साथ में राधा रानी की यहाँ पर मिलन हुई ये पास में है जिसका नाम है ललिता 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 पहाड़ी है ये ललिता पहाड़ी में एक नेचुरल चीज वहाँ पर देखो हाँ अल्ता पहाड़ी लेने आने वाले को चाहिए थी ना मतलब मिलेगा बोले क्या मिलेगा कृष्ण समय से ये लीला हुई है एकदम स्पष्ट रूप का आपको मिलेगा एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में सखियों के साथ में यहाँ पर खेल रहे थे खेलते खेलते अभी कृष्ण ललिता पास पास में बैठे हुए थे अभी सखियाँ सोच रही थी एक काम करो कृष्ण का जो चदर और राधा रानी के जो दुपट्टा है ना पीछे से अच्छे तरह से बांध और उन्होंने क्या किया सखियों ने पीछे से अच्छे तरह से गांठ लगा करके अभी उनने सखियों ने बोले आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की गोपी लगा दो मुझे श्याम यही पर उन्होंने इनको शादी करवाई थी और इतने में श्री कृष्ण चंद्र एक दिन ललिता ने बोले बोले एक काम कर सकते हो बोले क्या है बोले मेरे पैर में अलता लगा सकते हो मैं नहीं बोले क्यों नहीं लगा सकते बोले लगा ही नहीं सकते हो बोले लगा ही सकता हूँ बोले लगा करके दिखा दे फिर राधा कृष्ण ललिता सखी राधा जी के चरण में भी उन्होंने अलता लगाया तो आप देखोगे पत्थर है लेकिन पत्थरों के रूप में स्वाभाविक रूप में राधा और सखियों के चरण की जो अलता लगाने पर जो चिन्ह है स्पष्ट और उसका आपने पानी लेकर रगड़ रगड़ धो दो ना
लेकिन वो कोई भूलेगा नहीं, अभी भी स्पष्ट रूप में आलिता लगाना चिन्ह स्पष्ट रूप में उसमें उसको ऊपर में अभी भी जैसे कृष्ण सखा आप साथ में आते थे कटोरी बना करके जब उसमें भोजन करते थे अभी भी उसको ऊपर में पत्थर के ऊपर में कटोरी बना हुआ है, एक शिला है जिसको ऊपर में सूर्य का किरण पड़ना अपने आप शिला चमकती है, अपनी आप तारा जैसे वो शिला चमकती है। कीर्तन करते हैं बोले ललिता सखिया बोलो सुमार अयोध्या की सारी बिना धरी से पाया ललिता सखिया अयोध्या की सारी बिना धरी से पाया। वसंत ठाकुर अपना परिचय देते हैं हम किसकी गण में हैं, बोले ललिता की गण में, विशेष से करके ललिता की गण में तीन सखियां हैं, कितना सखियां हैं बहुत कौन, चले एक रूप मंजरी एक लवंग मंजरी और एक अनंग मंजरी, रूप मंजरी और श्री लवंग मंजरी, लवंग मंजरी कौन है सनातन गोस्वामी, रूप मंजरी कौन है रूप गोस्वामी, अनंग मंजरी जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, इसलिए कहते हैं तीनों दास कल्याण गोस्वामी कहते हैं बहु सखी बिना न है रसर उल्लास। अभी कृष्ण एक थे बोले भैया एक में थोड़ी लीला हो सकता है, इसलिए उन्होंने दूसरे रूप में श्री बाम अंग से राधा रानी को प्रकट की, अभी उनका नाम ही राधा है, क्या नाम है राधा, राधा मतलब क्या, राधा मतलब होता है कृष्ण ने आराध्यते की राधा बस सम आराध्यते की राधा, राधा मतलब होता है जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना बस सेवा करती राधा। अभी राधा रानी सोच रही है भैया मैं अकेला कितने कृष्ण को सेवा कर सकती हूँ, कितना सेवा कर सकता हूँ, तब श्री राधा रानी एक एक भाव उन्होंने एक एक उन्हें रूप प्रदान किया, ललिता मतलब उनकी लालित्य उनकी जो लालित्य जो सुंदरता ये ललिता सखी रूप में प्रकट हुई है, इसलिए यदि ये ललिता यदि जब तक ये ललिता की कृपा नहीं है ना ये इतने ललिता नदी का जो भाव है ना कहते प्रगल्भा, क्या ना भाव है प्रगल्भा, प्रगल्भा मतलब क्या, अगर राधा कृष्ण के अंदर में कोई प्रतिद्वंदी हुआ अगर ललिता से देखती राधा रानी का पल्ला थोड़ी कम हो रहा है ना, ए ललिता आकर बोले चुप रहो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, इतने तेज है ना कृष्ण को चुप करा देती है ललिता से, इतने तेज है ललिता को अंदर में, इसलिए ये ललिता की कहते इसका भाव क्या है बोले खंडिता, क्या भाव है खंडिता मतलब क्या है, खंडिता मतलब होता है जैसे श्री श्याम सुंदर राधा जी को राधा श्याम सुंदर को बोले यहीं पर पूजन होती है, लेकिन जो निर्दिष्ट समय दिया हुआ अभी राधा रानी सुंदर पूज्य बनाई सुंदर श्रृंगार की, लेकिन अभी श्याम सुंदर आए नहीं रहे, जब आए नहीं रहे अभी राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है क्यों नहीं आए, क्या बात है बीच से कोई अपहर होना तो नहीं हो गए, कारण क्या है, अभी राधा रानी बड़ी दुखी थी जिस दुख को देख करके कहते श्री ललिता सखी राधा रानी को दुख देख करके वो भी दुखी हो जाती है, आई राधा रानी कृष्ण विरह में दुखी श्याम सुंदर अभी आए नहीं, ये एक भाव ठंडिता कहते ललिता की, विशेष करके ललिता के विशेष गुण है क्या है उसके अंदर में कहते पुष्प की छत्री पुष्प की सज्जा पुष्प की पिता पुष्प की कुंज में बनाना भी ये एक्सपर्ट है ललिता, इसलिए ललिता की सेवा क्या है बताओ क्या सेवा है, इसलिए ताबुलम भक्त ललिता विशाखा गंध चंदने चामरे चप्पल लता तुम को विख्यात करते हैं, अष्ट सखियों को अलग अलग सेवा है, बोले ललिता की क्या सेवा है, ताबुलम भक्त ललिता बड़ी सुंदर पान की भुड़िया बना करके भुड़िया प्रिय खिलाते हैं और राधा रानी खाते ही बहुत सुंदर बड़ी करते हैं बड़ी सुंदर सुंदर उनका सेवा ये ताबुल सेवा कहते उनका वस्त्र का रंग किया है ललिता की तो और कुछ है उनका जो कपड़ा पहनते ना जिसमें मौर पक्का हो कुछ हो उसमें कहते भैया इनका राग क्या है कौन सा वाद्य बजाती है बोले बीना अलग अलग सखियों का अलग अलग वाद्य है इनकी बीना है कहते इनकी राग कौन सा राग बजाती है कलिंग एक राग है कलिंग राग है जिसे गाने में गाते हैं कहते इनमें जो पिताजी कहते अगर पिताजी का गुण अगर बेटी में आए ना कहते बेटी को बड़े सौभाग्यवती मानते हैं लेकिन इनके जो पिता है हाँ कहते विश्व को उनका पिता है कहते पिताजी का जो गुण है ललिता में कहते क्या पिताजी का गुण है बोलो बड़े दयालु बड़े कृपालु बड़ी दयालु अभी ये जो गुण है ना ये ललिता के अंदर में गुण है गुण होने का नाते इसलिए कहते हैं उसमें श्री ललिता सखी की अष्टक में कहते हैं
अगर ललिता सखी अगर देखती है ब्रज में किसी को अंदर में राधा रानी की दासी बनने का भावना, केवल राधा रानी की दासी बनने का केवल गंध मात्र है, इसको अगर देखते ही ना ललिता बड़ी दयालु है, इसलिए वो क्या कर सच घटे नयती वो चीज को उन्होंने बड़े जल्दी से जल्दी कैसे वो व्यक्ति राधा रानी का दासी बनेगी उसके लिए बड़ी जत्न करती है। और जब बच्ची बड़ी होती है ना घुटने पर चलती है कि ललिता सखी क्या करती है राधा रानी का प्रसाद वस्त्र ले जाती है और जैसे रुचि परीक्षा होता है ना सामने रख देती है, अगर वो बच्ची घुटन पर चलते चलते अगर राधा रानी के वस्त्र को पकड़ लेना वो समझ जाती है कौन है ये राधा रानी की पक्ष में, कुछ चंद्रावली का पक्ष है ना, बोले भैया राधा रानी का तनु उसका विशेष नजर रखती है। यदि यही ललिता उनको प्रेम के गुरु की शिक्षा प्रदान करती है, जावट में उनको कांटा बिछवा करके हाथ में कपड़ा बांध करके ललिता उनको हाथ पकड़ा करके पिछड़े को चलाती है, चल सीखो क्योंकि जब रात में जाओगे कृष्ण से मिलने के लिए कैसे जाओगे, उनको चलाना सिखाती है और कहती है देखो राधिके अंधकार रात में जाती है उनको अंधकार में काला कपड़ा पहन कर बोले देखो हंसना नहीं, क्योंकि राधा रानी हंसते ही ना दांत भी इतने प्रकाश है राधा रानी की हंसते ही चारी तरफ आलोक आलोकित हो जाता है, बोले क्लिक लगाकर हंसना नहीं इसको पता चल जाएगा तो श्याम सुंदर के पास में जाते हो, यही ललिता सखी महाप्रभु लीला स्वर्ग दामोदर।